Finally, we are now about to land at Kangra Airport. Let's see. So, we have finally landed at Kangra Airport. We will now go to Dalhousie from here. Now we have reached our hotel. This is Grand View Hotel, and this is the old wing building of this hotel that we have booked. And this is the ground floor view that you can see, very green. And from here we can see the Dholadhar mountain range from here. A bit cloudy day today, but very good view from here. So this is common area where you can sit and have tea and coffee and have a good view of the mountains. And we have booked our room at the first floor. Let's see how the view is from there. And this is the view that we can see. Cloudy. Go upstairs. So they have common kitchen upstairs as well, where there are the other rooms. This is the first floor of the building. Small library there. And this is the common area. And that's their famous Tiffin's kitchen, which used to be a famous restaurant in Dalhousie, but they closed it and only used for the guest. And this is the common area. And this is the view we can get from here. Amazing. And here we can sit and enjoy. Let's see how the room. We are entering into our room right now. This is our bed. So this is a bedroom. All the facilities you can see, chairs and all, sitting, normal facilities you can see. And here we already put in our luggage. The almirah, there's the washroom. Very nice. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो अभी हम निकल चुके हैं हमारे होटल से, जो कि एग्जैक्टली डलहौजी बस स्टॉप के सामने है. आज हम लोकल मार्केट वगैरह घूमेंगे डलहौजी में. पहले हम चलेंगे सुभाष चौक, और वहाँ से होते हम चलेंगे गांधी चौक, जो कि फेमस माल रोड है. और अभी ये व्यू है यहाँ से. थोड़ा सा अपहिल वॉक है यहाँ पर, बट ज़्यादा नहीं है. यहाँ से सीधा सुभाष चौक चलेंगे हम. वहाँ पे सुभाष जी का स्टैचू है. सो यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स भी काफ़ी अच्छी की हुई हैं काफ़ी जगह पे, आप देखेंगे.
और लेट्स फॉलो, लेट्स गो टू सुभाष चौक। और ये हम पहुंच गए हैं सुभाष चौक, और देखते हैं यहाँ से व्यू कैसा दिखता है। ये देखिए, काफी अच्छा लग रहा है। वैली का व्यू बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। माउंटेन्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चौक के बगल में ही बिल्कुल सेंट फ्रांसिस चर्च है यहाँ पे। ये बिल्कुल मेन सुभाष चौक पे ही है। कुछ यहाँ पे लोकल मार्केट्स भी हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से अभी हम चलेंगे चर्च में, देखते हैं यहाँ क्या है। हेलो फ्रेंड्स, सो वी हैव रीच सेंट फ्रांसिस चर्च एज यू कैन सी। So this is not very far from where we came, at where we are staying, Grand View Hotel. So it's just a walking distance. But very beautiful church, as you can see. बहुत ही खूबसूरत। चलो अंदर से देखते हैं कैसा दिखता है ये। Yeah, let's see. और ये आ गए हम चर्च के अंदर। काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, कल क्रिसमस है इसलिए क्रिसमस की तैयारियां हो चुकी हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं चर्च से, और अभी हम जाएंगे गांधी चौक, जो फेमस माल रोड भी है यहाँ पे वहाँ पास में, और वहाँ से फिर हम इंडो तिब्बतन मार्केट भी है यहाँ पे। सो ये फ्रेंड्स, अभी हम वॉक कर रहे हैं गांधी चौक की तरफ। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। सो इस वॉकवे को गर्म सड़क कहते हैं क्योंकि यहाँ धूप अच्छी आती है। एक दूसरा रास्ता है जो कि सुभाष चौक से गांधी चौक जाता है, उसको ठंडा रास्ता बोलते हैं, ठंडी सड़क, क्योंकि वहाँ पे धूप कम आती है, बट वहाँ से गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। यहाँ से गाड़ियाँ नॉर्मली अलाउड नहीं होती। अभी तक हम वॉक ही वॉक करे जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही। कह रहे हैं 20 मिनट का वॉक है। अच्छा, जो ब्रेकफास्ट हैवी ब्रेकफास्ट किया था, डाइजेस्ट हो जाएगा सारा, होपफुली। लेट्स सी, अभी तो शॉपिंग में करवाएंगे ना। बिल्कुल जी, एज ऑलवेज, व्हाई नॉट। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं गांधी चौक, जो मेन मार्केट एरिया है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, कैफे हैं, मार्केट्स भी हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। गांधी जी का स्टैचू है यहाँ पे। और ये जो रास्ता है, ये खजियार जाता है। जब खजियार जाएंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे। और ये यहाँ पे इंडो तिब्बतन मार्केट है, यहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कपड़ों की, वुलन्स वगैरह की। लोकल शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। काफ़ी शॉप्स बंद भी हैं, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड। शॉपिंग के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ। छोटी छोटी दुकानें हैं। सो नाउ वी स्टार्टेड हियर, मैडम इज डूइंग शॉपिंग नाउ। लेट्स सी।
शॉल्स वगैरह दिख रहे हैं मैडम। ये फैब्रिक आएगा प्योर में, ये फैब्रिक पश्मीना में आता है, बट दिस इज नॉट अ ए ग्रेड में आता है, ये पश्मीना की जो बेसिक। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए कैफे डलहौजी। सो दिखाते हैं आपको, ये वन ऑफ द फेमस कैफे है यहाँ पे। और मैडम बिल्कुल शॉपिंग से थक गए हैं और बैठे हैं, अभी अपना कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करी है आज, थक गए होंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं कैफ़े का इंटीरियर, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, सीटिंग कैपेसिटी भी अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, सो हम अपने होटल पहुंच गए हैं अभी। इट वाज अ गुड ट्रिप, वॉक डाउन टू गांधी चौक, देन वेंट टू तिब्बतियन मार्केट एंड वी हैड अ गुड स्ट्रीट फूड एज वेल। नाउ वी आर इन आवर होटल, एज वी हैव ऑलरेडी शोन यू हाउ इट लुक्स लाइक। कह हैं कि हम कल क्या प्लान करें, आज हमने पता किया है यहाँ पे कि हमको कहाँ कहाँ और हम मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आसपास अच्छी जगह हो। और वेदर आज जिस हिसाब से है काफ़ी ठंडा है और हवा चल रही है, तो पॉसिबली एक एक दो दिनों के अंदर स्नोफॉल हो जाए तो हमारा ट्रिप और सक्सेसफुल हो जाएगा। हमने बात की यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लेक है जहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, एंड खजियार इज नियरेस्ट द प्लेस जहाँ पे स्नो भी गिरता है। आज हमने पता किया स्नो तो नहीं गिरा, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि एक दो दिन में गिर जाए। Anyways, expecting कि भी सुनो यहाँ पे भी गिरेगा स्टार्टिंग 25th, सो विल सी। एंड राइट नाउ प्लानिंग वट वी गोना डू इन नेक्स्ट फ्यू डेज, विल शेयर ऑल दोज एक्सपीरियंस विद यू, होप यू गोना लाइक इट। वो हम इसको नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अभी के लिए हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि आज हमने काफ़ी वॉक कर लिया है और अब ठंड भी बढ़ गई है, तो थोड़ा अभी चिल करते हैं और नेक्स्ट अगर कुछ अच्छा होगा तो हम बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।